मल्टी स्टोरी दे दिया, और मल्टी स्टोरी देने के बाद यहाँ पे मीटर एंड किलोमीटर दे दिया, और ये देने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक किया, और यहाँ पर एड बीम अब क्या नहीं किया है, क्यों, क्योंकि हम कुछ सॉफ्टवेयर से लेके आ रहे हैं और उसको एडिट करने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ओपन स्टेट स्ट्रक्चर पे क्लिक किया, स्ट्रक्चर विजार्ड पे, ठीक है, इस पर क्लिक करके हम यहाँ पे फिनिश पे क्लिक किए, अब यहाँ पे फाइल का नाम भी आ जाएगा कि मल्टी स्टोरी है ये, एंड आपके सामने ये आ जाएगा डिफॉल्ट विजार्ड। ये इस तरह से जैसे हमने आपको अभी बताया कि जैसे रैबिट में हमारे पास एक ग्रोथ होता है ना, फैमिली होता था ना, वैसे इसमें भी फैमिली है। यहाँ पे देखिए ये सारे ट्रसेज हैं, ट्रसेज के टाइप्स हैं, पार ट्रसेज, वार्म ट्रसेज, हाउ ट्रसेज, नॉर्थ हाउ रूफ एंड लैटिस, ये हमारे ट्रसेज के टाइप्स होते हैं, सारे ट्रसेज के टाइप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे फ्रेम मॉडल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम मॉडल्स हैं, बे फ्रेम, ग्रिड फ्रेम, ग्रिड फ्रेम में हमारा ऊपर नीचे सभी क्लोज रहेगा, और देखिए जैसे कि मैं एक बे फ्रेम करके दिखाता हूँ, बे फ्रेम में क्या होगा, नीचे बीम्स नहीं लगे, जैसे नीचे घर में नहीं होता ना, ऊपर केवल होता है, नीचे ग्राउंड लेवल होता है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसका एक फ्रेम बना हुआ है, इसको उठाएंगे, उठा के यहाँ पे से लगा देंगे। अब इसमें हमें इसका लेंथ देना पड़ता है कि कितना हमारा लेंथ है, ठीक है, तो हमने इसका अभी लेंथ यहाँ पे 12 चल रहा है, तो 12 में इसको देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ वे अलॉन्ग लेंथ, कितने डिविजन्स में काटना चाहते हो आप, ठीक है, तो हमने इसको क्लिक किया कि ये 12 था, तो यहाँ पे 4 है, दैट मीन 3-3 का है, 3-3 का डिविजन्स है ना, लाइक एक कमरा, दो कमरा, तीन कमरा, इस तरह से 3-3 का डिविजन्स है ना, तो यहाँ पर बेकम कहाँ से बंद होगा, बी बम नहीं होगा, जाने दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेंथ लिया, ठीक है, लेंथ हमारे यहाँ पे कितना है, 12 मीटर है, तो इसको हमने कर दिया 9, अभी 12 पे 4 था, तो 9 पे 3 जा ना, 3 जा 9, तो हमने यहाँ पे 3 किया और 3 करके इसको ऐड कर दिया। फिर यहाँ पर हमने हाइट पे क्लिक किया और इसका हाइट दे दिया, अब क्या इसका हाइट हमने इस 15 है, 15 पे 5 है, मतलब कि 3-3 का है, एक फ्लोर हमारा 3 मीटर का, दूसरा 3-3 ऐसे करके, ठीक है, लेकिन अब क्या हमने यहाँ पे 12 कर दिया, ठीक, और 12 करने के बाद यहाँ पर नंबर ऑफ वे अलॉन्ग हाइट इज मैंने 4 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर जो विड्थ है, विड्थ लाइक लेंथ था 9, तो हमने कहा विड्थ भी हम कर देते हैं 9, ठीक है, तो हमने यहाँ पर 9 किया, और 9 करने के बाद यहाँ पर 3 किया। हमेशा कोशिश करना चाहिए सर कि हम लोग जो भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करें वो स्क्वायर में जाए, ठीक है, स्क्वायर में जाने से क्या होता है कि सेस्मिक का भी बहुत ही अच्छा इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि जितना फोर्स इधर से उतना फोर्स इधर से उतना फोर्स, फोर्स की बैलेंसिंग जो होती है वो अच्छी बनी रहती है, ठीक है, चाहे फाउंडेशन हो चाहे जो हो, तो कोशिश करना चाहिए कि मैक्सिमम हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में ले जाए उसको। यहाँ पर हमने अप्लाई किया और अप्लाई करके हमारे सामने ये स्ट्रक्चर बन के आ गया, ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को हम लेके चलेंगे, देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को हम लेके चलेंगे अपने क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर पे, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर पे लेके चलने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एडिट पे गया और यहाँ पे ऐड, ठीक है, ऐड पेस्ट मॉडल इन स्टैट प्रो, इस पर क्लिक किया और क्लिक करके मैंने यहाँ पे यस कर दिया, और यस करने के बाद ये 0.0.0 से ही हम चलाना चाहते हैं, सो हमने 0.0.0 कर दिया, ठीक, और फिर हमने क्या किया यहाँ पर सपोर्ट्स डाल दिए सपोर्ट, ठीक है, तो सपोर्ट डालने के लिए हमने इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक करके, अब सपोर्ट डालने से पहले काम करते हैं कि पहले डिफाइन कर लें इसको, ठीक है, तो डिफाइन करने के लिए जैसे पुराना स्ट्रक्चर था ना हमारा कि एक छोटा सा स्ट्रक्चर था, तो हमने बीम्स और कॉलम का अलग अलग साइज दिए थे, सेम काम प्रॉपर्टी पर क्लिक किया, प्रॉपर्टी पर क्लिक करके यहाँ पर डिफाइन पर क्लिक कर दिया, और डिफाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर रेक्टेंगुलर पर क्लिक किया, और रेक्टेंगुलर पर क्लिक करके इसका साइज दे दिया, हमने इसका साइज हमने दे दिया, अब इसके जो कॉलम्स हैं कॉलम का साइज हमने दे दिया 0.45 × 0.30, ये हमने साइज ले लिया कॉलम्स के लिए। इसके बाद हमने ले लिया साइज 0.30 × 3.030, ठीक है, ये हमने ले लिया बीम्स के लिए, ठीक है, और ये लेने के बाद हमने ऐड किया और ऐड करके क्लोज कर दिया। अब इसको सेलेक्ट करना है, इसमें जो वाई एक्सिस की चीज़ें हैं वो सभी हमारे क्या हैं, क्या बोलते हैं, कॉलम्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेलेक्ट पे गया, और सेलेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे बीम्स पैरेलल टू वाई कर दिया, हमने बीम्स पैरेलल टू वाई कर दिया, वाई करने के बाद यहाँ पर असाइन किया और असाइन करके इसको एस कर दिया, ठीक। अब इसके बाद हमने इसको लिया, इसको लेने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके बीम्स पैरेलल टू एक्स एंड सेलेक्ट करके फिर से हमने बीम्स पैरेलल टू जेड, सारे बीम सेलेक्ट हो गए, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे असाइन किया और असाइन करने के बाद यस कर दिया, क्लियर है। अब आफ्टर इट लाइक हम लोग अब जा रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट डालने, ठीक है, ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का सपोर्ट फिक्स होगा, तो फिक्स सपोर्ट के लिए क्या करना है, यहाँ पे सपोर्ट पे क्लिक करना है, और सपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है, ओके, तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फिक्स सपोर्ट मिलेगा, शायद अभी हमने क्या किया है, इसका ये नहीं असाइन है क्या, मुझे लगता है कॉलम्स मैंने डिफाइन नहीं किया, आई थिंक ऐसा लग रहा है मुझे, चलो देखते हैं सर। यहाँ पे हमने फिक्स लिया, फिक्स लेकर हमने ऐड किया और इसको
कोई बात नहीं, बाद में कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको लिया, उसको लेकर सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करके असाइन। और यहाँ से अभी हम अगर कन्फ्यूज़ हैं, जैसे मैं इसमें कन्फ्यूज़ हूँ कि कॉलम को मैंने असाइन किया कि नहीं, तो यहाँ पे 3D व्यू देख लेना चाहिए हमें इसका। सेलेक्ट कर लिया सबको यहाँ से बीम कर्सर से और यहाँ पे 3D व्यू पे क्लिक कर दिया, सब असाइन है, यहाँ से देख लिया, ठीक है। और अच्छे से देखना है इसको, इस तरह से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सब बढ़िया से असाइन हो गया ना यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो अभी जैसे कि हमसे कोई किसी ने अगर पूछा कि यहाँ पे देखिए, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे स्पेसिंग है थोड़ा सा, दिख रहा है क्या, ये स्पेसिंग है। ये स्पेसिंग क्यों है, ये स्पेसिंग यहाँ पे बराबर जाना चाहिए ना, बराबर मिलना चाहिए, नहीं, ये इसलिए रखता है स्पेसिंग, जिससे कि अगर मुझे आगे अगर कोई बीम जोड़नी है, ठीक है, यहाँ से अगर मुझे आगे कोई बीम जोड़नी है तो उसके लिए वो स्पेसिंग निकाल के रखता है, ठीक है। तो वो हमारा सॉफ्टवेयर उसके अकॉर्डिंग एड करता है। अब हमारा सब कुछ डिफाइन है और अब इतनी बड़ी बिल्डिंग है, दैट मीन इसमें लोग भी आएंगे। अब ये क्लियर हो गया, इस पर लोग आएंगे, ठीक है। तो इस पर डेड और लाइव दोनों लोड हम लोग डिफाइन करेंगे। तो दोनों लोड डिफाइन करने के लिए यहाँ पर लोड एंड डिफिनेशन पे क्लिक किया और यहाँ पर लोड के डिटेल पे जाके हमने ऐड कर दिया। और यहाँ पर हमने पहला डेड लोड लिया DL और इसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, और दूसरा हमने यहाँ पर लाइव लोड लिया, इसको भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक। और यहाँ दोनों को ऐड लेने के बाद क्लोज कर दिया। अब हमने डेड लोड को सेलेक्ट किया और इसको ऐड किया, और डेड लोड का हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी डाल दिया -1.5, ठीक। और इसको करने के बाद मैंने इसको कर दिया ऐड। और अब जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में यहाँ से यहाँ तक फ्लोर का वेट भी आएगा, फ्लोर का ही वेट आएगा। तो हमें पता करना चाहिए कि इसकी हाइट कितनी है। मान लीजिए यहाँ की हाइट मुझे पता करनी है, तो यहाँ पर नोट कर्सर होता है, ठीक है। नोट कर्सर लीजिए और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, फिर यहाँ पर गए और यहाँ पर देखा तो ये कितना है 12, मतलब कि मिनिमम हाइट फ्लोर वेट का कितना है 3 और मैक्सिमम है 12। इसको क्लोज कर दिया। हम यहाँ पर गए फ्लोर वेट पे, और फ्लोर वेट पे जाने के बाद यहाँ पे इसका प्रेशर दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने दे दिया -10 kN, और इसका जो रेंज दिया वो रेंज कितना दिया, जहाँ से फ्लोर स्टार्ट हो रहा है 3 से स्टार्ट हो रहा है अभी हमने देखा था, और जहाँ तक स्टार्ट हो रहा है 12 तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 10 एक एज्यूम किया कि कॉमर्शियल बिल्डिंग में हमने -10 kN का हमने फ्लोर लोड डाला, ठीक है। इसको डालने के बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया और ऐड करके क्लोज किया। ये सारे जो एजम्पशन होते हैं, ये सब सारे एजम्पशन और IS-456 के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, ठीक है। तो उसमें दिया गया है कि कॉमर्शियल बिल्डिंग का लोड कितना डालेंगे, ठीक है, और रेजिडेंशियल बिल्डिंग का लोड कितना डालेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दूंगा IS-456 का कोड, ठीक है। तो उसमें आपको रीड करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है, ठीक है। उस स्टैंडर्ड साइज से मैं आपको रीड करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने लाइव लोड लिया और लाइव लोड लेके मैंने ऐड किया। तो अभी हमने ये सोचा था हमने कि हम पढ़ने जा रहे हैं 3ds Max, तो इस वजह से मैंने लाया। तो नेक्स्ट लाइक अभी लाइव लोड है, ठीक है। तो लाइव लोड के लिए हमने क्या किया, लाइव लोड जो होता है वो लाइव लोड हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक लगता है, ऊपर नहीं लगता। क्यों, क्योंकि जो हमारी पब्लिक होती है वो छत पे नहीं जाती है, रूप पे नहीं जाती, वो कहाँ तक जाती है, केवल यहाँ तक जाती है। जो यहाँ पे जाती है वो मैन्योर होता है, ठीक है। तो हमारा जो ये यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितना है 3 to 9, ठीक। तो हम यहाँ पे डाल देंगे 3 to 9। यहाँ पे हमने फ्लोर वेट पे क्लिक किया और इसको मैंने, अब इसका जो फ्लोर वेट होगा ये हम कम रखेंगे कंपेयर टू डेड लोड। क्यों कम रखेंगे, क्योंकि डेड लोड में जितना होगा, लाइक जितना डेड लोड होगा, जितनी हमारी कैपेसिटी होगी, उससे हमें कम वेट उठाना चाहिए, हमारे फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए अच्छा रहेगा। तो हमने यहाँ पे लिया और इसको हमने रेंज दे दिया 3 to 9, और ये 3 to 9 देने के बाद मैंने यहाँ पर ऐड करके क्लोज कर दिया। क्लियर है ना, गुड। अब यहाँ पर सेल वेट लिया और सेल वेट लेने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए क्या सेलेक्ट हो रहे हैं, हमें नोट सेलेक्ट हो रहे हैं, बट ये फ्लो ये किस पे आएगा, बीम पे आएगा। तो यहाँ से हमें लेना चाहिए बीम कर्सर। बीम कर्सर लिया, बीम कर्सर लेने के बाद इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हमने असाइन टू व्यू कर दिया या असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स। असाइन टू व्यू करेंगे तो क्या होगा कि पीछे का अगर कोई गलती से नहीं सेलेक्ट हुआ है तो असाइन टू व्यू में सबको जो ये सामने दिख रहा है सबको कर देगा। और असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स में क्या होगा, ये तब लगाते हैं जिसे हमें पर्टिकुलर इस पर केवल लगाना है, उस केस में इसको 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 सेलेक्ट कर लिया। बट जब हमें सब पे लगाना है तो हम क्यों करेंगे ऐसा, असाइन टू व्यू करेंगे, जो दिख रहा है सब पे लग जाए, ये सब पे लग गया, ठीक है। और ये सिंबल हमें बताता है कि लग चुका है। और अब देखिए आप जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं तो तुरंत आपको दिखा रहा है कि आपका क्या है, फ्लोर वेट है, ब्लू कलर से फ्लोर वेट दिखा रहा है। और इसका जो ग्राफ होगा ये ज़्यादा दिखेगा अभी, जैसे आप क्योंकि यहाँ पे 10 kN डाला था हमने, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया इसका ग्राफ देखिए छोटा हो गया। क्यों, क्योंकि ये था मेरा 8 kN का, उससे छोटा। और दूसरी बात ये कि इसका जो लेवल था यहाँ से लेके और यहाँ तक था, ठीक। तो इस तरह से हमने इसको क्लिक किया। अब
इसके बाद इसको भी हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कैसे एनालिसिस करना है। एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद यहाँ पर ऑल पे क्लिक कर दिया और ऐड किया और क्लोज किया। क्लोज करने के बाद यहाँ पे एनालाइज और यहाँ पे रन एनालिसिस क्लिक करके यहाँ पे सेव कर दिया स्ट्रक्चर को। ठीक, तो सर हमने इस तरह से किया। अब यहाँ पर हमें एक नोट देगा, ये नोट देगा कि वन वे क्या होता है और टू वे क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर देगा वन वे और टू वे का नोट। अभी दिखाते हैं डन करके। तो यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया और यहाँ पे जैसे आप देखोगे नोट में क्या लिखा हुआ है, अबाउट फ्लोर वन वे लोड एंड वेट्स। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वन वे क्या होता है और टू वे क्या होता है। ठीक है, तो वन वे टू वे का हम एक ग्राफ आपको दिखाएंगे, लाइक एक डिजाइन करके दिखाएंगे क्या होता है वन वे क्या होता है टू वे। तो वहाँ पर ये नोट खत्म हो जाएगा। ठीक, अभी यहाँ पर हमने रिजल्ट पर क्लिक किया और यहाँ पर देख सकते हैं आपके सारे रिजल्ट आ गए। ठीक है, तो अभी इसका भी हम एक्चुअल वेट, अभी स्ट्रक्चर जैसा कि हमने बोला था सबका आएगा, तो इसका भी हम देख सकते हैं। अब देखिए इसकी क्वांटिटीज़ बढ़ गई, क्यों? क्योंकि लाइक इसके जो फ्रेम थे, नंबर ऑफ फ्रेम जो थे बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, और बीम्स जो हमारे देखिए यहाँ पे देखिए ना, तो यहाँ पे इसका जो सपोर्ट्स थे वो 16 सपोर्ट हो गए, नंबर ऑफ मेंबर्स 160 हो गए, इस समय ज्वाइंट 80 है। ज्वाइंट क्या होता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन किया, तो ये क्या हो, ये एक ज्वाइंट हो गया। नहीं, तो ज्वाइंट क्या होगा, आधा होगा कंपेयर टू मेंबर्स। ये मेंबर हो गया, ये भी मेंबर हो गया, तो जस्ट डबल। अब एक्चुअल वेट ऑफ द स्ट्रक्चर इज, इस समय जो हमारा स्ट्रक्चर का वेट है वो है 1221 किलो न्यूटन का, 1221 किलो न्यूटन का। अब अगर हमें देखना है कि बीम नंबर वन कौन सा, बीम नंबर टू कौन सा, बीम नंबर थ्री क्या है, समटाइम्स अभी जैसे हम पहली बार करते हैं तो हमें एरर आ जाता है कि बीम नंबर सिक्स पे मटेरियल डिफाइन नहीं है, ऐसा एरर आ गया। तो हम कैसे पता करेंगे बीम नंबर कौन से हैं? तो उसके लिए हम लोग को राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके यहाँ पर लेवल्स पर क्लिक करना है। ठीक है, लेवल्स पर क्लिक करके यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा नोड नंबर। अगर आपको नोड का नंबर जानना है तो के भी दाबेंगे, कंट्रोल के तो हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी शॉर्ट की है के, तो हमने जैसे क्लिक किया और यहाँ पे अभी नोड नंबर यहाँ पे क्लिक कर दिया और क्लिक करके यहाँ पे ये देखिए 1 5 9 13 ऐसे 5 गया, फिर यहाँ पे 6 गया होगा, 7 गया होगा, 8 9 10 ऐसे चलता चला गया। ठीक है, इसको ऑफ करना है, इन दोनों को ही लिया और अप्लाई कर दिया। और ऐसे ही बीम को लिए भी हम कर सकते हैं, बीम नंबर लिया और अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे बीम नंबर 21 25 10 11 12 13 14 ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं, कोशिश करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि क्या होता है जैसे अभी बीच में रह गया ना तो दिक्कत होती है उसको सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करके उस पर असाइन करना, असाइन करके उसको करना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका भी रिजल्ट देख लेंगे। और इसका मेन रिजल्ट देखने के लिए आपको यहाँ पर पोस्ट प्रोसेसिंग पर जाना है और पोस्ट प्रोसेसिंग पर जाके यहाँ पर ओके कर देना है। ओके, एंड इसका भी हम लोग सेम उसी तरीके से रिपोर्ट्स देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे। यहाँ पे वी वैल्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे बीम रिजल्ट पे जाके मैक्सिमम रिजल्टेड और एनोटेट करके क्लोज किया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपको ये पूरा का पूरा ग्राफ भर के दे देगा। तो इस तरह से आपको इसको बड़ा करके देखना पड़ेगा। इसीलिए जब हम लाइक अभी देखिए सब समस्या हो रही है ना, अभी धीरे धीरे माउस को ले जाना पड़ रहा है यहाँ पे, देखिए सेम है। ठीक है, तो क्या होता है, इसीलिए हम लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए हम लोग ईटैप को ज़्यादा यूज प्रीफ्रेंस देने लगे। ठीक है, क्योंकि ईटैप में क्या है कि ये चीज़ क्या करता है, जैसे कि एक बीम का आपको केवल जानना है, उस पर केवल राइट क्लिक करेंगे आप तो उसका पूरा का पूरा रिजल्ट खुल के आ जाता है एक बीम का। ठीक है, तो मतलब कि ईटैप में ये फायदा हो जाता है, हम लोग जब ईटैप सीखेंगे तो उसमें हम लोग को देखें। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसके एनालिसिस किए। अभी हम इसकी डिजाइन नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी डिजाइन करेंगे। ठीक है, कि इस पर हम लोग डालेंगे कि रेनफोर्समेंट कितने घर डाल रहे हैं, एल डिस्टेंस कितना डालें, तो हम डिजाइन कर देंगे तो उसका रिजल्ट आ जाएगा कंक्रीट डिजाइन का। ठीक, समझ आया? ओके।